फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है ये कोकोनट ऑयल जो है एक बॉल में लेके इसे वॉर्म कर लिया है। आप इसमें मैंने सिर्फ कोकोनट ऑयल लिया है, इसे मैंने वॉर्म कर लिया है। आप चाहे तो कैस्टर ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं पहले ये कोकोनट ऑयल अपने हेयर पे अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा वॉर्म है ये। बचता है वो हम अपने हेयर पे ले पाम पे लेके इसे पूरे हेयर पे अप्लाई करेंगे। तो आपको ये हेयर ऑयल जो है अच्छे तरीके से हेयर पे अप्लाई करना है। मैंने पूरा हेयर ऑयल जो है वो अप्लाई कर लिया है। अभी मसाज करेंगे 15-20 मिनट्स तक। मैंने मसाज कर लिया है 15-20 मिनट्स तक। अभी मैं क्या करूँगी कि ये जो टॉवल है मेरे पास इसे मैं हॉट वाटर में सोक करूँगी। आप ये हॉट टॉवल जो है इसको मैंने हॉट वाटर में डुबाया था और उसे अच्छे से इसका एक्सेस वाटर स्क्वीज कर लिया है। अभी ये टॉवल जो है मैं अपने हेयर पर रखूँगी इसे। ऐसे रखना है 20 मिनट्स तक। और आपको ये जो है ये थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हॉट रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट थोड़ा सा वार्म भी रहा तभी भी ये काफ़ी है। और इससे क्या होगा कि आपने जो ऑयल अप्लाई किया है वो स्काल्प में अच्छे से चला जाएगा, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। और इससे जो है ये प्रोसेस करने से आपका हेयर फॉल है ये 100% कम हो जाएगा और आपका डैंड्रफ भी जो है कम हो जाएगा इससे। और आपके हेयर हेयर जो है वो काफ़ी हेल्दी लुक आएगा आपके हेयर पे। तो मैंने अभी ये अप्लाई कर लिया है, इसे मैं 20 मिनट्स रहने दूंगी। और इससे क्या होगा आपका हेयर पे जो एक्सेस ऑयल है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स अभी 20 मिनट्स हो गए हैं और अभी मैं इसे रिमूव कर लूँगी। और जब आप इसे अप्लाई कर लगाते हो तब ये थोड़ा सा हॉट रहता है, बट आप 20 मिनट्स होने के बाद ये कम्प्लीटली इसका हॉटनेस चला जाता है। और अभी जो है हम इसे रिमूव कर लेंगे। अभी जो है हम मेरे हेयर का एक्सेस ऑयल जो है वो भी थोड़ा सा कम हो गया है। अभी मैं जो हूँ इसे ओवरनाइट ऐसे ही रहने दूंगी हेयर को। अगर आपको हेयर ऑयल ओवरनाइट नहीं रखना है तो आप 2-3 आवर्स के बाद जो है अपने हेयर को शैम्पू कर सकते हो। अगर आपको हॉट टॉवल अप्लाई नहीं करना है तो आप अपने हेयर पे स्टीम भी दे सकते हो, बट वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है स्टीम देना हेयर में। वो भी सेम काम करता है जैसे हॉट टॉवल अप्लाई करते हैं, वैसे ही आप स्टीम भी दे सकते हो हेयर पे, तो वो भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप हेयर ऑयलिंग करके हॉट टॉवल अप्लाई करोगे तो आपके हेयर जो है वो काफ़ी नरिश रहेंगे, आपका स्काल्प जो है वो डैंड्रफ फ्री रहेगा और आपके हेयर में एक हेल्दी सा लुक आएगा।